मौला के अगले मदाहान जाकिर जनाब आसफ अब्बास गोंदल साहब से गुजारिश करूँगा इस दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलियन व हाफिज़न व काइदन नासिरन व दलीलन व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमत्तियहु फीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदन व आले मुहम्मद अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। कोशिश करो फखरे यूसुफ दी ज़ात ते बवाज़े बुलंद सलावात जिंदा सलामत रो काफ़ी हो बवाज़े बुलंद सलावात नारे तकबीर जिंदा सलामत रो बादशाह अली दे खालिक दा नाम बवाज़े बुलंद चाओ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हरामी हलाली दी पहचान मिलके यक्सवा नारे हैदरी हैदरी। कोशिश करो फखरे इब्राहिम दी जाते बवाज़े बुलंद सलावात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जिंदा सलामत रहो। भाई साउंड वाले थोड़ा जा तेज रखे आवाज कोई तुलानी मजलिस नहीं हुक्म दी तमील हो गई थोड़े चेहरे की ज़ियारत हो गई यकीनन शिया और सुन्नी भाई तशरीफ फरमाओ क्योंकि मैं सरदार एक लफज हर मजलस मजलस की इब्तदा वाजिब समझ के आदा कि बादशाह हुसैन की मजलस आके बहन वास्ते शिया होना जरूरी नहीं गैरतमंद होना जरूरी है। किबला गैरतमंदा का मजमे मेरे तो बाद किबला गुलाम अब्बास सदफी साहब मौला जिंदगी दराज फरमावे भाई दाऊद अली औन साहब और मौला के काफ़ी पीछे मदा पड़सन अजीम मदा मैं सब तो छोटा जाकिर हाँ तो मेरा दिल फजाइल रज के ऊपर सन मैं दो फरमान जनाब के हवाले करा मरफत आए तुम सारे दुआ करनी है फजाइल मैं जितना भी पढ़ा मैं मोमना आदा वहाँ हाथ चार के तहीद करो तो इतने वास्ते मैं थोड़े अगर हथ बन के मिन्नत करा था कि जे मैं फरमान मालकों के पढ़ने ने मालकों की जुबान थोड़े तो वाजिब है तई दहाक अदा करे हुक्म की तबील पढ़ता पाया पहला फरमान लम्हा जाया किए बगैर ब फरमाने अमीर अल मोमिनीन अली मौला का फरमान हसनैन का बाबा अली फरमा रहे त्राए किस्म के बंदियों तो मैं अली नूं नफरत है। मैं हर बंदे की तईद चाहिए जितने मारफत अले अली जो वली पढ़ वाले बैठे मौला फरमेंद ने तीन किस्म के बंदियों तो मैं अली नूं नफरत है। हुण एक गल दा तुसीं जवाब देना तो नतीजा मैं बड़ी जल्दी ना जिस तो अली नफरत कर जा उसकी जिंदगी कोई है बोल के दसना मैं किबला कोई नहीं जिंदगी जी मैंने कब्रे हुसैन की छबी से मेरा हाथ है मैं पाकिस्तान के हर मैंबर से कोशिश कर रहा वहाँ मालिका के फरमान जरूर वाजिब समझ के अपने ते हक समझ के ये अदा करा तुसी एक बंदे समझ लिया इस मजलस के एडे वे इजतमा आन का मुल पै जा घर बार छड़ के मजलस आन का एक बंदे अमल कर लिया मौला केड़े अली फरमाया पहले मैंने उस तो नफरत है जेड़ा किसी के घर जावे ते अख ते कंट्रोल ना करना हो जी बिस्मिल्लाह किबला मेरी बिस्मिल्लाह किबला मौला तोड़िया खैर कर जी बिस्मिल्लाह मजलिस मेरी मौला की कसम तमील मुकम्मल हो गई है जेडे रह गए ने थोड़ी जी तवज्जो ज्यादा करे तुसी थोड़ा थोड़ा कैमरे वाले आदे पयान को थोड़ी जी चलो तवज्जो है सारे दी जी मौला फरमा रहे ने पहले वह पसंद नहीं जेड़े जिन्हों की अख च हया बोले नहीं सारे मैं थोड़ी जाकर बनने तुसा मेरे नाल तईद करनी मौला का फरमान है साड़ी कड़ी औकात है असं दो टके दे बंदे मौला फरमा रहे ने जेड़ा बंदे की अख च हया नहीं वो मेरा शिया कोई नहीं। लो जी अज तो बाद जेहन च रख लेने जिस बंदे की अख च हया ना होया
ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 98% ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਸੋ 98% ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 160%। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 160 ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ 98% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਬਲਾ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ? ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਲੇਤੀ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਤਾਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੱਲਕ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈ ਦੇਣ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਖ ਲੈ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਝੱਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਸਾ ਦੇ। ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਮਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਛੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਮਿਨ ਦਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਪੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਚਾਚਾ ਤਲਬ ਹੁਸੈਨ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਲਾ ਜਾਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਬਾਣ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ, ਆਖਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਇਹ ਹੈ ਆਖਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੌਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ।
मैं स्पीकर ते आदा पिया लाइव कैमरियां अखे चख पा के आदा पिया किबला भी बैठे ने पूरी जिम्मेदारी नाल किबला दा कसीदा जेड़ा भी सुनो तारीख लिख दे ने अकीदा इन्हां दी भी कसीदे च घट हुंदा। अच्छा मौला फरमाइंदे ने तीन किस्म दे बंदे पहले ओ जाकर साडी मजलिस च ना आउण आउण इह है फायदा कोई नहीं। मौला केड़े फरमाया जेड़ा मिंबर ते किसे गल दी तबलीग करे खुद अमल ना करदा हो जिंदगी दराज हो शाम की मलका इन्हां हथां दी खैर होवे जो उस वेले मौला फरमाया कि अगों मजलिस जा जावे फायदा कोई नहीं अगले जुमले औखे आ गए। मौला दूसरा फरमाया दूजा वो बंदा भी साडी मजलिस जाके ना पवे पवे ही ना। मौला केड़ा फरमाया जेड़ा सारी दिहाड़ी साडी मजलिस सुने मजलिस सुन के घर जावे कम अज कम एक नेकी ना अपनावे एक खामी नू दूर ना करे हाथ घट गए उठन वाले बई मजलिस हुसैन है अज शबीर मुहर्रम है चाचा इतों जो बंदा शबीर की मजलिस सुबह दे इमाम दे मदा पढ़ रहे ने गुलमा पढ़ रहे ने ते शाम तक उन्हें पढ़ने वो पढ़ के बंदा मजलिस सुन के घर जावे घर जांदिया नाल प्यो नूं इतों नप के गोहे ते लै आवे अगों उन्हें मजलिस नहीं आना चाहिए है नहीं ना जी आना चाहिए बिस्मिल्लाह जी। मौला फरमाया दूसरा तीसरा वो बानी साड़ी सफे मातम ही ना बिछावे हाँ फरमाया बानी साड़ी मजलिस ना करा दे फायदा ही कौन हमें 56 जाकर पढ़ा लवे जो मर्जी करे फायदा कोई नहीं। मौला केड़ा फरमाया जड़ा साड़ी सफे मातम बिछा के असा 14 नो अपने घर मेहमान बना के बत भी अपनी जिंदगी साड़ी सीरत दे मुताबिक ना गुजारदा हो चौदह तशरीफ लै आने ना मजलिस 14 बुला के मौसम पीर बत बंदा अपनी सीरत उन्होंने जिंदगी के मुताबिक ना गुजारे लज मुक गई जी मेरे हिस्से की पढ़ाई एक आखिरी फरमान 217 मसाए ने पढ़ लिया होगी मजलिस बफरमाने मुस्तफा वल्लैल दियां जुल्फा वाला यासीन मुजम्मिल मुदस्सर काली कमली वाला असं किसी को कुछ नहीं याद है साढ़े खिलाफ बिल पास होंगे पैने पता नहीं कि किसी कभी कुछ नहीं आखिया तो मैं तो मैंबर से हर जाकर मौलवी अगे अपील भी करना वा हथ बन बन के मौला अमीर अल मोमिनीन दा एक फरमान है मौला फरमाइंदे ने अपने आप को ठीक करने जी एडे मसरूफ हो जो दूसरे दियां खामियां कढ़न वास्ते तुहाडे कोल टाइम ही ना हो हक लुकदा नहीं हक जहर हो जाता है ठीक है ना जी। मुस्तफा फरमा रहे बिस्मिल्लाह मौला तुहाडियां खैरां करा मुस्तफा फरमा रहे ने चार किस्म के बंदे तो मैनू भी पसंद नहीं मैं सारे फरमान ये पढ़ता मौला फरमाइंदे ने चार किस्म के बंदे मैनू सारे बोलो पसंद नहीं यानी कि जिहड़े चार किस्म के बंदे ने ना पिछला नहीं वेखना कि जी पिछे की हो गया वो लंघ गया अज फरमान सुन रहे जे अज तो अमल शुरू कर दियो पिछे जो हो गया उन्होंने वहन दियो वो नहीं कि जी मैं तो नहीं करता तो मैं तो परेशान हो जाओ नहीं पिछले छो वह घराना बड़ा करीम है ठीक है ना जी मालिका का तो वह जात बड़ी वड्डी है इस वास्ते पिछला छड़ने अज तो अमल करने नबी फरमा रहे ने चार किस्म के मौला केड़े पर मैं पहला वह नहीं पसंद जो दुनिया की हर किताब पढ़ते तो कुरान नहीं पढ़ता अच्छा हुण जाकर बनो मेरे नाल सारे रल के सुनी ते शिया एक छोटा जिहा जवाब तुम्हें मुकाइए वजू ते कितना टाइम लगता है बोलो सारे कीता है 5 मिनट ज्यादा नहीं 2 मिनट ज्यादा तो ज्यादा 2 मिनट सोना सोना करके वजू करिए 2 मिनट ठीक है ना जी ते कुल हुवल्ला पढ़न ते कितना टाइम लगता है 1 मिनट यानी कि यह वजू ते कुल हुवल्ला पढ़िए ना यह टोटल टाइम लग जाते हैं जी बंदा आराम आराम नाल भी पढ़े ना 2.5 मिनट लै 2.5 मिनट 24 घंटिया चो 2.5 मिनट दे के ते मुस्तफा राजी कर कुल हवाला तो हर बंदे नूं आउंदी है यार ये जरूरी नहीं कि सूरा बकरा बिस्मिल्लाह यार यार भी सूरा बकरा पढ़नी है तो ही गल नहीं कुल हवाला पढ़ लो कुरान पढ़ रहे ना कुरान मजीद खोलो सोने तरीके नाल पढ़ो पढ़ के बंद करो हाँ ना लो जी मुस्तफा पसंद मौला दूसरा
और मैं दूसरा वह पसंद नहीं जिंदी जिंदगी पिछले लंघ गए ने छो अगा जे आ रहे जिंदी जिंदगी अल्लाह रहमान के रोजे गले पूरे गुजर जान ईद अला दिन चढ़ पवे तो उन्हें खाते च पिछे गुनाह लिखे हुए हो अगले जुमले को एडे को औखे ने ना तो करने में जरूर ने दो अगले एडे औखे ने ना तो मैं मुड़ भी पढ़ने फरमान मालिका दे मजलस मेरी मुकम्मल हो जासी तो नबी फरमाया तीसरे मैनू वह पसंद नहीं ए भी गल कि बला तुसी गवाही मेरी सारे बोल के दवे सारे ये भी खामी साढ़े बच्चे इन्नी को पाई जाती है ना इन्नी कोई पाई जाती है एंड हो गया लेकिन अगों तुहानू अली दियां पुत्रां दा वास्ता जे अगर ये खामी है जे ते कढ़ दिओ मालक नाराज जे मालक राजी कोई नहीं जे हुंदे मालका तो दूर हो जाना जे कबर च इन्हां तो इलावा बचाउणा किसे नहीं जे ए घर तो वड्डा घर कोई नहीं इन्हां दी मन के टुरिए तो जिंदगी भी सौखी आखरत भी सौखी। नबी फरमा रहे ने तीसरा मैनू वह पसंद नहीं जिहड़ा अपने ही मोमन भीरा दा गिला करदा हो चावे बिस्मिल्लाह जेड़ा मोमिन दी इज्जत साझा ना होवे। मैं किबला सदफी साहब इतने साबित करके जासा जो जो निजाम हो रहा है मिसाल दे तौर ते इज्जत मजरू इस पिंड दा नाम है काजिया करम शाह इत्थे जाकर आ रहा होवे दसो ये मजलस जड़ी हो रही है ये मजलस किस दी है बोलो सारे यार इमाम हुसैन दी है ते अगर मजलस इत्थो धुनी सदात होवे ते ओ उत्थे किस दी मजलस है इमाम हुसैन दी यानी इन्हें मतलब है मजलिस इत्थे भी रसूल दे पुत्र दी ते मजलिस उत्थे भी रसूल दे पुत्र दी ते जाकर आ रहा होवे ते काजी करम शाह जांदियां जांदियां पिछो फोन करके आखण किथे साईं धुनी सदात जा रहे हैं अच्छा मजलिस पढ़न जी जा रहे हैं और यार ओनू छड्ड 10,000 ज्यादा लै इत्थे आ जा इन्हें मतलब है तेरे ज़हन च उत्थे हुसैन नहीं इत्थे हुसैन है जेड़ा बंदा इंज इज्जत मोमिन दी मजरू कर दे मैनू अली दी विलायत दी कसम है ना औंदा हुसैन नाल तल्लुक है तुहानू सलाम भाई इन्हें मतलब है कि इन्हें मतलब है कि वह सीधा साफ आख रहा है फोन करके और धुनी छड़ उठे कड़ा इमाम हुसैन की मजलस इतने आ जड़ा बंदा एक गल समझ के भी जाकर नु तंग कर दे ना मैं मिंबर ते ऐलान करके दा पिया मैं तो कुरान ते हथ रहा लो उस बंदे दा हुसैन नाल तल्लुक नहीं उनु अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है जड़ा मोमिन दी इज्जत दा मजरू करना चाहता है मोमिन दी इज्जत दा सका नहीं वो हुसैनी नहीं हो सकता गल औखी है मैं बड़ा औखी जी बिस्मिल्लाह मौला इमाम हुसैन बादशाह जिंदगी दराज फरमान बिस्मिल्लाह मोमिन का मकाम किताब का नाम है समरातुल हयात अलामा महमूद असफहानी बहुत बड़ा आलमे दीन है इस तरोना लिखी है दूसरी जिले बेशक पढ़ लेनी है तोड़ा मकाम मोमिन का मकाम मोमिन का मकाम वो पढ़ रहे ने मस्जिद कूफा का मेंबर रही अगर बंदा उठिया उस कदमा दे हाथ लाया उसका हसनैन की हयाती होगी कायनात कोई ऐसा अमल है कि आया होया मलकुल मौत रूह कब्ज करता होया छटे वापस चला जावे केड़े वड़ा अमल है केड़ा वड़ा अमल है खुदा दी कसम यानी मलकुल मौत रूह कब्ज कर रही है तो यकदम छट के वापस चला जावे बंदा जिंदा मासूम फरमाया हाँ सिर्फ एक अमल ऐसा है मला केड़ा फरमाया सदका साउंड वाले साथ दमी जिंदगी अभी सदका साहिल हैरान मोमिन का मकाम देखना साहिल हैरान होया अरे हमारा जब बंदा सदका न दे सकता हो भी वह बंदा क्या करे अली फरमाया किसे भूखे मोमन को खाना चा खवावे ओए 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 आई होई मौत दूर हो जावे साहिल हैरान हो कदा बंदा ये भी न कर सकता होवे वत बंदा क्या करे हसनैन दे बाबे फरमाया किसे तुसे मोमिनो एक घोट पानी चा पिवाओ आई होई मौत दूर हो जावे बैठे थारे हुसैनी मोमन बा जमीर ता खैरत मंगा ना मजमा रहमान हाथ अता जितनी ताईद बुलंद करे आए सारे मोमिन ना मकाम पे दसदा बंदा हैरान हो कदा मौला जे बंदा सदका भी न दे सकदा होवे भूखे नु खाना भी न दे सकदा होवे तस्से नु पानी भी न दे सकदा होवे वत बंदा क्या करे हसनैन दे बाबे मिंबर तो लहना शुरू कीता असहाबा दे मजमे जिंदा हाथ न पिया अली फरमाया याद रख
ना भूखे नु खाना दे सकदा होवे, ना तस्से नु पानी पिवा सकदा होवे, ना सदका दे सकदा होवे। किसे नेक साले मोमिन दा सिर्फ चेहरा देखे और खुश हो जावे सदका अदा। बिस्मिल्लाह किबला क्या हो गया किबला जिंदगी दराम बिस्मिल्लाह इमकाम यार इमकाम मोमिन काफी ज्यादा पड़ गया। इमकाम मोमिन मोमिन की इज्जत का एहसास हो सी तेरे ते आले मोहम्मद भी गाजी ने अगर इतों निकल के बाहर जा खड़ा है ना जाके कि मैंने काजी करम शाह लिया टुकर ही नहीं मैंने दिता ए बंदे शंदे कोई नहीं मर अपनी गल जेन च रख ली तेरी मुंह की जुबान हरकत करनी हो तेरे ते आले मोहम्मद नाराज। मैं स्पीकर दे अदा पियां बैठक नहीं स्पीकर मेंबर दे पूरी जिम्मेदारी में मारा चौथे पहले जुमले ते नबी फरमाया मैंने वो पसंद नहीं दूजे ते फरमाया कि वो नहीं तीसरे ते फरमाया वो नहीं चौथे ते ये नहीं फरमाया कि मैंने पसंद नहीं। हदीस पढ़ लेनी नबी दे चेहरे ते जलाल आया चाचा नबी पाक दे चेहरे ते जलाल आया नबी फरमाया बर्बाद होन वो लोग बर्बाद होन वो लोग बर्बाद होन वो लोग इतने दफा लफज इस्तेमाल करके साडे नबी फरमाया बोला केड़े फरमाया बर्बाद होन जिन्हां दे मां ते प्यो जिंदा होन मां प्यो दी मौजूदगी विच जहन्नम वाले पासे टुर जाओ। बिस्मिल्लाह मेरी जाखरी चीज तो बड़ा लफज कोई नहीं मुक जाती कसम खुदा दी इस तो मैं दस नहीं सकता मां ते प्यो दी इज्जत शरीयत आदी है तू अल्लाह दी नमाज पढ़ता पिया होवे हाल ते नमाज विच होवे मां प्यो सद मारे छड़ दे नमाज। मैं अपने जवान भाइयों वास्ते सतर पढ़ना चाहना एवं है जी मैं किबला मौला तुहाडियां खैरां करन जिंदगियां करन मैं दाद वास्ते नहीं मैंने 14 की विलायत की कसम है मैं इतों पर पढ़ना मैं 14 की कचहरी चाहता पाया मैं दिलों पर पढ़ना इतों तक शरीयत मना किया है कि बंदा मां ते प्यो दे नाल एक बर्तन च रोटी खाने तो गुरेज करो इजाजत लो सामने बर्तन पिया हो ना तो दो बोटियां आन शरीयत मना किया है कि मां ते प्यो दे रले बह के नहीं खाना मता तुसी उस बोटी नूं हाथ पा लवो जिंदे ते तुहाडी मां ते प्यो दा दिल है। होए 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 हाँ बंदा 95 जाकर पढ़ा ना 95 जाकर जलसे डेढ़ डेढ़ लख आले 15-15 मिनट पढ़ी जान तो ले जान तो न्याजा दी जाए तो लंगर बकरियां का हो साल के 20 जलसे आन 55 वार का जवार हो हाजी भी हो नमाज एक ना छड़दा हो उंगली के इशारे ना गुस्से की हालत च मां प्यो ना फाखे सारिया नेकियां उ खत्म हो गई खिला सब कुछ खत्म आले मुहम्मद नु मनना कमाल नहीं आले मुहम्मद की गल मनना कमाल है जो ये मनवाओ वाचक मन लो हुक्म है इतात वाचक है जो मनवाओ वो मन लो इसे का नाम है विलायत अली इसे का नाम विलायत है और ये हक और बातल की पहचान दसन वास्ते मुस्तफा दिया धियां कड़ियां पा के जगले च रुल गई हलो अलहम्दुलिल्लाह बड़ी सोहनी इबादत हो गई दुआए करीम अल्लाह बतूल दियां जख्मी धियां का सदका सानू सीरत ए मासूमीन ते चलन की तौफीक अता करे सारयां दी आमीन दी सदा आवे और सानू हकीकी मायने च बतूल दे पुत्र दा जिक्र करन की तौफीक अता करे हकीकी मायने च आजादार हुसैन बना और इस नाजक हालात च करीम अल्लाह 5वें मौला दा सदका साडियां सफां च इतिहाद और बरकत अता फरमा और सब तो अहम दुआए करीम अल्लाह सड़ी कौम दा मुहाफ़ज़त फरमा हालात औखे ने शिया हर दौर च मजलूम आण अज भी शिया मजलूम ने ला मैं एक दुख पढ़ा मेरा बेले शहादत पूरी नहीं एक वैन पढ़ना चाहना करबला दे सब तो वड्डे जरनैल दा पूरी मजलिस च 10 बंदियां चाचा तालिब हुसैन हाय कीती है बाकियां दी हाय नहीं निकले अगला जुमला जो मैं आखना तुम समझता उसी तत हाय तो मजीद बुलाऊ
जरनैल करबला दा सब तो वड्डा है जिंदगी छे महीने में। वाह भाई वाह, भला भी जहरा दियां धियां राजी होनी हम समझ आइए केड़ी सोनी हाय की थी। जरनैल सब तो वड्डा है ना, करबला दा फाते कौन है मैंने बोल के दसो सारे। बाबल हवैज अली असगर है ना, करबला फता अली असगर की थी। जरनैल सब तो वड्डा है, जिंदगी छे महीने में। गल मातमी नाले मैं समझा लिया, मैं उंज शहादत ना पढ़सा, मैं वो लफज ही नहीं पढ़ने जेडे हर जाकर को तुसी सुनदे हो ना, मैं वह ना पढ़सा। मैं दो त्रै रिवायत पढ़ के एक बहन करने मैंबर उन्होंने हवाले करने, काफी ज्यादा मैं पढ़ गया, मेरा सफर भी लंबा है, थोड़ी मुहब्बत च फरमान जरूरी है, मैं पढ़ गया वा। लै मैं दो लफज पढ़ा फिर सारे रल के आए करिए। हाँ एक जवाब सारे दबे, मैं पूरी मजलस पढ़ी, मैं थोड़े तो जवाब ले लैके करिए, मैं हर गल दिया रहा जवाब उसकी वजह मैं ये तां दवा क्योंकि लफज याद हो जाते हैं। तुम हम जवाब देना तो मैं अगला जुमला चाचा जी पढ़ने। बुजुर्गो कदीम तो सुनने वाले मेरे सामने मातमी बैठे, कितनी जिंदगी है असगर दी, बोलो सारे यार, छे माह कुठा कितनी बार है, तीन बार नहीं सारे सारे दसो यार, तीन बार लो जी त्रै बार ए मेरे सामने कबरे हुसैन है, दो मदहा आले मुहम्मद की मौजूदगी है, तुम हुसैनी हो कदीम तो सुना लियो। ये तुसा तीन बार पति क्यों आखे है, क्योंकि तुसा अज तक सुनिया ही तीन बार है, हर जाकर पढ़ दे तीन बार है, हालांकि कुठा तीन बार नहीं कुठा चार बार है। मैं दसा वा तुम उंगलों से गिनना है, चौथी बार जो मैं दसा फिर मातम की सदा आखिरी मातमी तक आवे। जिहड़े हुसैनी मातमी बैठे हो ना रोमन आए पुरसा पढ़ा छब्बी मुहर्रम उन्होंने सारे की फिर हाय बुलंद होवे। मैं दसा उंगलों से गिनना है तू सदा तो फिर चौथी बार रल के मातम करिए। तीर बोल के सारे बोल के जाओ एक बार सारे, तीर नेजा दो बार, खंजर त्रै बार, ला हुण करो ना सारे हाए ते सदा आवे ते जिने प्यो चुंज नेजे ते हा। वाह भाई वाह, भला भी यार जहरा दी धी राजी हो, शाम दी मलका राजी हो, हक अदा कीता ही जिने रोमन दा हक ही ना उंज हाए सदा आए। ए कुसना नहीं, ए कुसना नहीं। मैं इना कन्ना नाल एक अहले सुन्नत आलम दीन की रवायत सुनी है, अहले सुन्नत आलम दीन पे पढ़ता मैं आप खुद सुनी है। एक अहले सुन्नत किबला सदफी साहब प्यादा उस कहा जिस चुंज नेजे ते अली असगर दा सारा इना नेजे दा मुंह वड्डा हा असगर दा सर छोटा। जितने सैयद बैठे उन्होंने मैं थोड़ी नुकरानी का पुत्र हाँ, मैं हर अजादार से हर मातमी का नौकर हाँ, मैं बिल्कुल वैन के नेड़े आ गया वहां एक रिवायत पढ़ के मैं बैन करा। इस रिवायत छिया बंदे की हाय बुलंद होवे, कुरान की कसम है तेरी हाय ना निकले बाबा जी इस जुमले ते काले कपड़े पा के छब्बी मुहर्रम तेरा बन ला फायदा ही कोई नहीं, आ ना रल के छिया हो सी ना जिंदी बंदा मातम ना करे। इस रिवायत मैंने माफ करे है। मैं एक अक्सर तुसा रोड के उत्ते बैठी हुआ लाला बूस है जिटी रोड है, अक्सर औकात बंदा सफर से जाए ना कई जगह पर बंदे एक्सीडेंट ऐसे नजर आते हैं जिन्हों की पहचान नहीं होती। सुन लिया जिंदगी अभी थोड़ा जा होर साथ दें पुत्रा ना आबाद होने पहचान नहीं होंगी, लाशें ऐसा जी कि पमाल होंगे ने पहचान नहीं होंगी। वो फिर अजकल तो नैट का दौर है फेसबुक से देंगे ने बंदे आते हैं हाथों तो पैरों तो पहचान करते हैं कोई अदा सा फिरा है कोई अदा सा पुत्र है इवें कर लेना। अच्छा तेरा मुहर्रमा जदा मौजज़े नाल तेरा चौथा इमाम करबला आया है ना लाशा दफन कर, मैं गलत पढ़ा मैंने उम्मल बनीन का पुत्र इस मेंबर तो मौत दे के होने लावे तू सोचता रह तू जानता अली असगर की गरीब मां जाने। मैं तेन जुलम दसना चाहना वा मुसलमाना दे जुलम असी शिया क्यों रोने, जदा सजाद आए ना तो बनी असर ते चाचा लोग इकट्ठे होके अदे ने मौला जुलम की हद हो गई है दस नो ला हुण तुसी दसदे रहो कि ए साडा फलां है ए फलां है असी लाशा दफन करिए। बोल बोल के सारे हाय करे है, बोल बोल के तुसी हुसैनी हो ना रोजाना सुनदी मजलसा बोल के सजाद हाथ चा के फरमाया ओ जड़े टुकड़े चो मेहंदी दी खुशबू। वाह भाई वाह, भला भी हाय हाय दी सोनी सदा आई हाय दी सदा कुरला के कुरला जंदे टुकड़े चो मेहंदी दी खुशबू ए साडा
कासम है मां हुसैन दी राजी होवे ए साडा कासम है इना दफन कीती गठड़ी कासम दी इंज शबीर दे पुत्र हाथ चाया फरमाया जड़ी ओ लाश है ना जिंदे बाजू नाल कोई ने ए कौन है ए साडा अब्बास है वत हाथ बधा के फरमाया ओ जवान जिंदा जिगर ते हाथ है ए साडा अकबर है वो आया ही नहीं जिन्हों अल्लाह हाथ दिता होवे और बंदा मुसलमाना दे जुल्म ते मातम ना करे इंज हाथ चाह के फरमाया जड़ी ओ लाश बेतरतीब है ना ए उस दी लाश है जिन्हों मुहम्मद जाके मदीने दी गलियां है जब ए मेरे बाबे हुसैन मातम सारे करे है हुसैन दी लाश है ऐठा जुमला है ते मैंने मातमी ते सैयद माफी देवे है गलत बड़ा असगर दी मां मौत देवे बनी असद 18 बुढड़े हुसैन दी लाश को लाए ने वत पिछा हट के मातम करके ए मिट्टी ते ढह गए ने आदने सजाद इमाम दा पुत्र है एक मसला पूछन आया सैयद दा केड़ा मसला आदने तेरे प्यो गरीब दे ओ सीने ते एक गोश्त दा टुकड़ा है ओ जदा करिए सैयदा दा गोश्त नहीं ओ मेरा निक्का भिरा असगारे ओ जदा लाश ते घोड़े भजदे आ या हुसैन बलावी करा पहला बयान करा सारा छोड़ के पहला बयान करा ले मैं पढ़ लिया खत्म पहला बयान मातमिया वास्ते जे रह गए हो ना उन्हें वास्ते एक बयान होगी मजलिस शबीर गुरबत का आखिरी होका दिता असगर पींगे चो जलिया तैयारी नहीं पढ़ता हर जाकर तो सुन दियो मां दो चोले पवाए नहीं पढ़ता तैयारी हो गई हा ये जुमला ना पढ़ा तकमील नहीं होगी 96 घंटे दे तसे नू बिला तशबीह इंच आया है प्यो दे हथा दे अख खोली है छोटा जा हथ चाके ना प्यो दी दाड़ी तो अकबर दी रात पूज के आता है क्यों रोने वाह भाई वाह भला हो हक अदा की था भला हो देखना मोमन का दिल हुसैन इंज हाय निकलती है मोमन क्यों रोने असगर गरीब पर मैं मेरी जीती ना सदा मैं अली हूं भावे बगैर छोटा मां अली हूं तू मुहम्मद है मैं अली हूं मैं नुसरत करता बाबा एक गल दस अकबर गए तलवार चाक गए हाँ मेरा सोना बजरा कासम ओन मुहम्मद सारे तलवार चाक गए हाँ मेरा ला हूँ दोवे हाथ चाक के प्यू की दाड़ी तले ला के आता रोना बंद कर बाबा मैं तेरा निक्का पुत्र हाँ अपने दौर का अली हाँ ना तीर चा सकता ना तलवार मैदान मैनू आप लै जा अपने हथा की जीन दे मैंने बुलंद करी खुश्क लबां ते जुबान फेर के इंज दा हमला कर साना जड़ी अकबर मार के हसदे आन मैं करबला रवाए वाह भाई वाह भला भी यार भला भी मातमी सोना लगता कुरला के औखी दुआ जेने च रख लो जितने बे औलाद बैठे हो झोलियां भर के उठे आउंदे साल मातमी ना होया मैं बतूल दे पुत्र दा बुआ नहीं बिनिया मैं दिलों दुआ दे के जा रही मातमी औखी दुआ जेने च रख लो मिंबर ते किबला मैं पहला बयान कर शबीर अदने मरहबा मेरा लायक बचड़ा मरहबा हुन हुसैन इन चाके ना जदा खयाम दा आखरी दरवाजा आया ना हाय 4 सालां दी भैन हाथ बधाए बाबा एक बार भिरा मैं दे भिरा भैन दे हथा ते आके ना 6 महीनियां दा अख खोली सी ते भैन दे सर ते हाथ ला के ना आदे ममनून आ मेरे वास्ते बड़ा पानी मंगे होए 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 मैं शुक्र अदा करना मेरे वास्ते बड़िया मिन्नत की नहीं पानी दियाँ भैन मैं जा रहा वहां मैदान मैं जुबान फेर के करना है हमला ते मैं करनी है करबला दी फतह ऐसे टिब्बे दे खलो के मां दे नाल वेखी तीर आउंदा किवें नहीं थक गए हो मैं झलदा किवें आ भैन भिरा दी
पेशानी चुमकिया दी असगर करबला दा फाते तू में ता शाम दी फाते। वाह भाई वाह, मैं देखा नहीं समझते तो पहुंच गए। करबला दा फाते तू में ता शाम दी फाते मैं हां, तेनू लगने तीर मैं वादा करनी हां इस टिब्बे ते मैं तेन वेखसा। तू भी एक बहन नाल वादा करना असगर जदा कड़ियां ते रस्सियां पा के असा जाना है ना करबला। असगर तेरा सर होसी करबला तो शाम ते जदा तेरा सर होसी चुंज नेजा ते ते हर मंजिल ते तू मैंने देखने मैं शाम फता किवें करनी आ बहन किवें करनी आई। पर मैं नेजे ते वेखी शिमर मैनू मारदा किवें वे भला हो। एक जुमला सुनिया फिरामा वास्ते मैं ज्यादा तो ज्यादा तीन मिनट भजन और पढ़ सा वैन में हिक करना ज्यादा नहीं मजलिस हो गई है इतना भी छोड़ देवा मजलिस मुकम्मल है लेकिन हिक वैन बन गए महात्मिया वास्ते। इतना जुमला मैं एक बुजुर्गों वास्ते थोड़े को दुआ लैन वास्ते ना चिट्टिया दाड़िया वाले बुजुर्ग जितने बैठे हैं थोड़े वास्ते किबला जुमला पढ़दा। तुसा अक्सर एक जुमला सुनिया है ना जाकरीन मौला दे मदा जितने भी मैदान मदान चाचा वह सारे एक जुमला पढ़ते हैं कि जदा हुसैन असगर नु चाह के आए ना ते 9 लख आख्या कि हुसैन कुरान लैके आए। बोल के दसो सुन दी हूँ लाहौर मजलस है मैं सुनिया आप पिछे मैं बैठा सैयद रियाज हुसैन शाह रतोवाला थोड़े मंडी बहावुद्दीन गुजरात दे ना पिछो इतों रतोवाला उन्हें जुमला पढ़िया चार जाकर असा मैंबर से आए जुमला उन्हें यह पढ़िया अजे बैन भी ना किया बंदे आख्या बाबा जी मुक गई मजलस बंदे टकरा मार मार के एक दूजे के गल लग के पिटन लग पे बानिया सानू आख्या जाकर सब तुम चले जाओ मजलस हो गई है न्याजा लवो बस मजलस इस होकर पढ़ ही नहीं कुछ सकता ना हो सकती है। एडा बड़ा जुमला उन्हें पढ़िया ले जुमला मैं तेरे मातम वास्ते पढ़ के मैं पहला वैन करने आओ सारे रल के रोवीए तो मातम करिए क्यों रोने अस जदा शबीर असगर को चाह के बह रहा इन्ना पुत्र है तस्सा खुश्क लब असगर दे फट गया लब जख्मी हुसैन बिठा ते सूरज की किरण असगर दे चेहरे ते आई भावे जेडा साबे रही ना शबीर अपनी आबाद दामन अली असगर दे दिता है हुण जुमला आ गया मैंने मातम ही माफी दे हाथ आई मातम सवाब ते करना है जे मातम हराम है जिन्हें मजहब वो ना करे वो जो पाबंदी नहीं अहले सुन्नत भाई भी आने ना हुण शबीर अपनी ढाल असगर के उत्ते दी चार परदे बना के हुसैन असगर नु टुरिया है जिमें 9 लख डिठा है ना एक बहन आदि ने मुबारक हो गए जंग जीत गए कुरान ले आए शाला मैं पढ़ लवा मोमन समझ लैन इबादत किवें नहीं होंगी। उमर साहब आदा मैनू माफी देवे मैं रिवायत दे लफ्ज़ पे पढ़ना और बावे रहा पढ़िए गल मातमी नाले ते अजादार नाले उमर साहब आख्या गल ए वे कि असा फतवे लए होए ने आओ कुरान दे कारी बैठे नहीं इस लफ्ज़ नू नहीं समझ गए उन्हें आख्या आओ कारी कुरान दे हैं असा हुसैन दे कतल दे फतवे सारे लए होए ने अगर हुसैन कुरान करे ना इंज तुसा तलवारा रखो जमीन ते गोडियां लाओ 10 दस्ते तीर कमान चाओ इस अंदाज नाल करो जदा शबीर इंज करे ना असगर नू जुलम वेखने लगा इंज ते तुसा तीर मारने भावें कुरान नू लगे नहीं हाय कर सकते हाय नहीं कर सकते कुरान की कसम है मोमन यार मुसलमान मुहम्मद उमदी बैठे हैं भावे हुसैन नू लगे ते भावे कुरान नू लगे मैनू गल मातमिया माफी दवे 10 दस्ते तीर अंदाजा दे इना जमीन ते गोडी लाइए ए इंज हुसैन का निशाना बनाया है जो शबीर कुरान इंज करे तीरां दी बारिश करो शबीर पहले अपनी ढाल हटाइए वत दूसरा पर्दा हटाया है वत तीसरा पर्दा हटाया शबीर जदा हुण आबाद दा दामन ला के अली असगर न ओ सुन्नी शिया ए इंज बुलंद कीता है ना ए 10 दस्ते फौजियां दे हथों तीर कमान जमीन ते ढह गए ने उमर साथ नवाज ने ओ हराम जादिया बहरा ओ सानू दस ए भी बागी है ओ जेड़ा मान मां नहीं सद सकदा ओ जेड़ा तुर नहीं सकदा ओ इनू केड़े जुर्म या हुसैन भला हो कुरला के छला जहरा दी नू राजी होवे मैं दुआ कर देना बतूल दी नू राजी होने जहरा दी धीया राजी होने भला हो भला हो भला हो
हलो हुसैन कौन आई सैयद दा पुत्र क्यों लाए सैयद दा 96 घंटे दा तसा है अदा तुसा ते आदे हो साडे पिंगे वाले बोलदे ने आख मंगे हुसैन असगर नु जा क्या दे असगर मंग पाई जेडे फिरावां दे फिरा ना जवान उहनां दी हाय निकले प्यो दे हत्थां ते अख खोल क्या दे अकबर दे कातल जवान दी हाय तां बन दी आई ना अकबर दे कातल असगर तेरा पानी मंगना प्यो दी गवाही है अदे बाबा पत मैं इंज मंगदा जिवें दादी भला होवे भला होवे सोना जिवें दादी हक मंगया प्यो दे हत्थां ते असगर अल आतश दी सदा बुलंद कीती हैवाना दियां गोडियां जमीन ते लगियां अल्लाह पहला बहन है इथले मेंबर छड़े दा पिया बुजुर्गों का एक बहन हैवाना दियां गोडियां जमीन ते लगियां उमर साथ समझिए माहौल बदल दे जित्ती हुई जंग मैं हरना ए फजदा होया हरामी उठे आया है जिते हुरमला इंज हाथ चा कहते जल्दी कर तीर चा असगर नु पानी पिवा जेड़ा अकबर नहीं ना कीता सगीर क्या कर गए ये हरामी आ गए मेरे तीर आदे मुक गए एक वैन है बिल्कुल एक वैन ए जालिम आ गए मेरे नाल तीर मैं देवा मैं झूठ बोला जहरा दी थी शिफात ना कर ए मातमियों खेमे चाया है इस तीर ओ चाया है जड़ा घोड़िया न मरिंदा वाह भाई वाह मातम दा पुरसा यार सारे मातम दा पुरसा और जवाना इस तीर चाहे मातमिया जमीन ते गोडी लाइए या तीर ढह गया है इस वत गोडी लाइए तीर ढह गया है जदा तीसरी दफा तीर डठाए उमर सादा दए एडा वड्डा तीर अंदाजे तीर क्यों ढांगाए आदे शर्म च करया जदा मैं निशाना बने ना कै वेले रसूल दा गल आवेंगे कै वेले ज़हरा दा गल आवेंगे आदे तू तीर मार भावे रसूल जिंदे तो बाद मामण पढ़न नहीं देंदे आ तेनू ओ वैन सुनावा सारे सिर ते मातम दा पुरसा ऐसे असगर दी मां दी सुनला ते सारे मातम दा पुरसा इस जमीन ते गोठी लाइए या असगर दी मां भाज पईए बीबी पेका संदूक खोल आए तीर कमान चा के गोठी लाइए जहरा दीदी भाज पईए फर जाई दे हाथ ना भलाए आदि पईए मसतोर लड़े सारे मातम यार ओ मसतोर लड़े ओ मैदान दे विच वो ओ जे होंदा हुका मैं खुदा दा बीबिया दिए मैं खास कफीला हाय गो गाजी दी और रंग बदल दें दी सहरा दा आन दी मात तड़पी है हस्कल मारी है आदी वदी है इस नौ लगवो जतो भारी हा एक हमला आ नदी मादा बीबिया दिए ना लगदी परछी अदा मिनट बीबिया दिए सहरा दिखी थकना नहीं बैन उफ है मैं तीर अंदाज प्यो दी धीया इसका निशाना असगर नहीं हुसैन हाय 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 हुसैन का नाम आया बीबिया दिए कोई वास लगता इतला में असगर दी मां वैन की ता जड़े हुसैन दे जरनैल असगर नु रोमन आयो बीबिया दी असगर अगर तीर प्यो नु लगया ओ मैं शाम मिल के कोई नहीं जाना प्यो दे हथा ते तड़ पाए हुरमल दमो करके आदा बधाई इनू ना मारी
ए मुक गया है ओ ये लाश कबारा दी चा के इनू खा गई मौ एक बार हल्के दे मातमी हाथ जाओ अद्धा मिनट के बिना 37 सेकंड मुक गई पढ़ाई सारा पिंडाल हल्के दमातमी मजलस च सुन्नी फिरा भी बैठे हो हल्के दे मातमी दा हुण हाथ सर ते ना आवे मैनू बतूल दियां जख्मी धीआं दी कसम है मैनू दुख लगेदा ओ सुन्नी फिराओ मजलस कासियां करम शाह च बैठे बंदे जिमीदार परे आले बंदे मेरे सामने बैठे हो अज तुहानू मैं दसदा 26 मुहर्रम असी शिया भैणा लैके मजलस च क्यों रोंदे आ धीआं लैके क्यों रोंदे आ मातमी दा हाथ मातम वास्ते असा धीआं लैके क्यों रोंदे आ यार बंदे कसम ता चोरां दी भी मन लैंदेन परे च बैठा होवे चोर कसम देवे बंदे मन लैंदेन मैं रसूल दे पुत्र दा ज़ाकिरा तुहाडा मेहमान आ मैनू काबे दी कसम है मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू आलिया दे बुरके दी कसम है मैनू हुसैन दे असगर दी कसम है मैनू 12वें दे गाइबा दी कसम है इतनियां कसमां चा के मैं दसदा असी शिया रोंदे तावा ओ जिस असगर नु तीर मारिया ए हरामी कुरान दा हाफिजा ए काबे दा हाजिया ए मस्जिद दा बेश निमाजा मां बाल खोलन आदि भाई चंग होंदी ए नारा